हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं लेके आई हूँ होलसेल ज्वेलरी मार्केट का वीडियो। तो हम लोग भुवनेश्वर मार्केट गए थे, वहाँ पे ये होलसेल ज्वेलरी का एक पूरा मार्केट है। तो आपको अगर छोटा सा मतलब ज्वेलरी का बिजनेस चालू करना है तो आप यहाँ ज़रूर विजिट कर सकते हो। आपको काफ़ी अच्छे और सस्ते दाम में यहाँ पे ज्वेलरी मिल जाएगी, मतलब रेगुलर यूज़ के लिए ज्वेलरी या कुछ मतलब फंक्शन होगा या ब्राइडल ज्वेलरी, सब टाइप की ज्वेलरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अभी शादी में अलग अलग फंक्शंस रहते हैं, हल्दी बोलो या अलग अलग कुछ भी, इसके लिए भी जो फ्लावर्स की वगैरह ज्वेलरी लगती है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे और सस्ते दाम में मिल जाएगी। और ब्राइडल सेट भी आपको बहुत सारी वैरायटीज में मिल जाएगी। तो आप इस मार्केट ज़रूर विजिट करना। अगर आपको इस मार्केट आना है तो सबसे पास का जो स्टेशन है वो है मस्जिद बंदर। वहाँ से उतर के मतलब वहाँ पे स्टेशन पर उतर के आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ये 10 से 15 मिनट आपको चल के आप यहाँ पे आ सकते हो। या अगर आपको CST से आना है तो आप टैक्सी से आ सकते हो। टैक्सी से हार्डली आपको 30 रुपीज़ यहाँ आने तक लगेंगे, मतलब इस मार्केट आने में। तो आप विजिट करना, यहाँ पे आपको नवरात्रि की ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या ब्राइडल ज्वेलरी काफ़ी वैरायटीज काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाएगी। जो लोग भी ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं मोस्टली वो लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं होलसेल में। तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर होलसेल मतलब ज्वेलरी मिलेगी। और कुछ कुछ ऐसे शॉप है जहाँ पे आपको सिंगल पीस भी मिल जाता है, आपको ख़रीदना है या किसी की शादी में आपको मतलब देना है गिफ्ट के लिए या खुद के लिए, तो आप ज़रूर विजिट करना। काफ़ी वैरायटीज देखने को मिल जाएगी। और ये प्रॉपर भुवनेश्वर मार्केट में आता है, तो आप देख सकते हो। आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी ज्वेलरी की वैरायटीज देखने के लिए मिल जाएगी, तो ज़रूर विजिट करना। और ऐसे ही अलग अलग होलसेल मार्केट के प्लेसेस के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो आपको बहुत सारी अलग और अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये पूरे ब्राइडल सेट थे। और जो साउथ में पहनते हैं ब्राइडल सेट वगैरह, मुझे काफ़ी अच्छे अपने मिल जाएंगे। महाराष्ट्रीयन ज्वेलरी थी, मतलब हर स्टेट की अलग अलग ज्वेलरी जो रहती है वो काफ़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो जो लोग ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजनेबल रेट में ज्वेलरी अवेलेबल है। और ज्वेलरी मेकिंग का जो सामान रहता है वो भी यहाँ पे आपको अच्छे बाहर के हिसाब से अच्छे और काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि आपको भी ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप सिर्फ 5,000 से ज्वेलरी का बिजनेस यहाँ आके स्टार्ट कर सकते हो। और काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाएगा अगर ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो। ज़रूर विजिट करना दोस्तों। तो ये वीडियो कैसे लगा वो ज़रूर बताना, और आपको ये कितना यूजफुल लगा वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अभी संक्रांत वगैरह आ रही है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको काफ़ी गिफ्टिंग ऑप्शन मिल जाएंगे संक्रांति के लिए लेडीज़ के लिए, क्योंकि ये ज्वेलरी मार्केट है। तो यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज भी आपको काफ़ी मिलती है, जैसे कि क्लिप या साड़ी पिन वगैरह, या बच्चों को मतलब किड्स को देने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी हेयर एक्सेसरीज, छोटी छोटी ज्वेलरी है। तो आप संक्रांति के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे और सस्ते दाम में शॉपिंग कर सकते हो। तो ज़रूर अभी संक्रांति का मतलब है अभी फेस्टिवल, उसके पहले आप एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हो। तो ये देखिए कितनी अच्छी ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे है, और सेट भी काफ़ी अच्छे दाम में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ज़रूर विजिट करना। ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और आप इस मार्केट विजिट करोगे तो इसके बाहर ही पूरा भुवनेश्वर मार्केट है, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब कपड़ों से लेकर खाना पीना, कपड़े, ज्वेलरी या मतलब किचन में जो लगता है बर्तन वगैरह, वो पूरा मतलब मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक मार्केट आओगे तो मार्केट घूमने के लिए मिलेगी। तो जरूर विजिट करना। थैंक यू, बाय बाय।